हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको आ रही होगी धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा है कि कुछ थोड़ा वो होता है ना कि थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, बस यही है और कुछ नहीं है, बस बाकी सब ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया था कि सर स्ट्रेटजी वीडियो में जब मैंने अपने मार्क्स शेयर किए कि मेरे 92.75 बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से मैंने अप्लाई किया था, तो तब से लोगों ने बोल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ गए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी आए, मुझे मेल भी आया, इंस्टाग्राम पे DM भी आया कि सर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, इतने प्यारे प्यारे मैसेज थे यार, सच में थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मेरी तबीयत ख़राब थी कल से, तने अचानक से कुछ वो होता है ना, हल्का मतलब लो फील कर रहा हूँ और थोड़ा सर्दी टाइप का भी हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, और डर भी लग रहा है कि 25 को मेरा मेंस है और इलाहाबाद जाना है पटना से प्रयागराज पे, पर ठीक है यार, हो जाता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं स्टडी वीडियो बना ही देता हूँ क्योंकि फिर मुझे कल निकलना पड़ जाएगा इलाहाबाद, तो इसलिए सोचा कि मैं आज ये वीडियो डाल ही देता हूँ चैनल पर, ठीक है। तो अभी चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लोगों ने कमेंट किए थे, वाह मुझे बहुत थैंक्स है इन सभी को, भाइयों को। भाई आपका SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB PO, IAPS PO, SBI PO सब में आपकी सिलेक्शन पक्की है, गारंटी मेरी है। लव यू भाई, लव यू भाई, जिन्होंने भी लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद यार। आपके इसी तरह के मैसेज से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार आप लोग के लिए कुछ आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, बता सकूं कि मैंने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, ठीक। तो आज इन सब सभी बातों पे बात करेंगे। एक और भाई ने लिखा था, मैं सारे मैसेज नहीं ले पाऊँ, एक दो लिया, दीप घोष हैं ये, कैसे तैयारी करते हैं प्लीज़ बताइए और डेली रूटीन बताइए, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भाई ज़रूर बताऊँगा आप सबों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोगों जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा कि सर आपने कितने अटेम्प्ट किए थे कि आपके 92.75 मार्क्स आ गए, जैसा कि मैंने इसके एनालिसिस में भी बताया था जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था कि मैंने सिर्फ 90 अटेम्प्ट किए थे और वो 2.75 मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए हैं इन्होंने, बट मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट कर दिए थे, क्वांट में भी 35 अटेम्प्ट कर दिए थे और इंग्लिश में मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे। आप लोगों को पता ही है कि मैं इंग्लिश को मेरे 20-22 से ज़्यादा मेरे से नहीं होते हैं इंग्लिश, तो बस उससे उतना ही मैंने अटेम्प्ट कर दिया था इसमें, ठीक है। तो इतना मैंने अटेम्प्ट कर दिया था और मुझे 92.75 इतनी की मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा ही दिया SBI ने, बट वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो, बस यही है कि आप करते जाओ एक सही डायरेक्शन में और आपको एक दिन सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो आज मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी कि सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप अभी यदि आपका बेसिक्स क्लियर है तब तो बहुत सही है, यदि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए पहले बात कर लूँ कि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको पहले अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए और सारे जो मेन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक होते हैं, उनको जो भी टीचर को जो भी एजुकेटर को ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी कर रहे हैं बस अपने आप जो भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को क्लियर करिए, एक एक उसके मतलब उसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि मतलब मैं ये भूल गया वो, आप एक बार टॉपिक बेसिक से एक बार हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और मैथ रीजनिंग इंग्लिश। और दोस्तों एक बात नहीं भूलिएगा आप लोग, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि प्री की तैयारी करते रह जाते हैं, नहीं ये आप बिल्कुल मत करिएगा, प्री के साथ मेंस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जैसे होता है ना कि यदि हम चावल खाते हैं तो हम चावल सीधे नहीं खा सकते हैं, हमको चावल के साथ दाल और सब्जी भी चाहिए होता है, बस उसी तरह ये प्री और मेंस का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको इसको साथ में लेकर चलना होगा, आप ये नहीं सोच सकते कि हम सिर्फ प्री के ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं आपको मेंस लेवल DI करने होंगे, मेंस लेवल पजल्स करने होंगे, आपको हाई लेवल DIs करने होंगे, डाटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आपको लॉन्ग RCs पैराजेंबल्स वगैरह सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा आपकी कि हम सिर्फ प्री करते रह जाएंगे, नहीं दोस्तों प्री करिएगा ना तो ऐसा होता है कि प्री भी नहीं निकल पाता कभी कभी, बट एक बार हमसे यदि मेंस का क्वेश्चन बनने लग जाता है ना तो प्री का हमारा वैसे ही 90% आउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपको शुरू दिन से भी प्री और मेंस की प्रिपरेशन करते रहना और मॉक दोनों का देते रहना, ठीक है। मॉक ऑनलाइन ही देना है, आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर सेट खरीद लेते हैं मार्केट से प्रीवियस ईयर का ये वो जो होता है, तो
दोस्तों ये कोई एसएससी की एग्ज़ाम नहीं, एसएससी में आपको सटीक क्वेश्चन वही मिल जाता है, बट इसमें क्या होता है कि एनालिसिस वाला क्वेश्चन ही मिलता है जो बाहर आके लोग बताते हैं, उसी पर लगभग करके वो बना देते हैं, वो भी ठीक होता है, बट ऐसा है कि हम इसमें ऑफलाइन नहीं मार सकते हैं, ऑफलाइन इस पर हम नहीं ट्रस्ट कर सकते, हमको ऑनलाइन ही देना चाहिए, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है तो हमको ऑनलाइन ही देना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर इंग्लिश में आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर के पढ़ते हैं वो पेपर से पढ़ने चाहिए, पेपर से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने पेपर से ही पढ़ा था, बट लास्ट टाइम में मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया था, एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया था, वहाँ से मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की। मैं द हिंदू कभी आज तक नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है। मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ वो है द इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आती है और मुझे लगता है द हिंदू मेरे लिए नहीं है। जिनको समझ में आती है उनको अच्छी बात है, बट मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों को द हिंदू नहीं समझ में आती, फिर भी वो पढ़ते रहते कि यार सर ने बोला या मैम ने बोली, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो न्यूज़पेपर समझ में आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, बट हम कहेंगे कि ज़्यादा अच्छा इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें सटीक चीज़ें होती है और उसके वर्ड्स भी आपको समझ में आएंगे, तो इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़िए आप, ठीक है। और बात और इसी तरह से आप जनरल अवेयरनेस को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है, जिस दिन से आप प्रीमियंस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस को आप और करंट अफेयर्स को, बैंकिंग अवेयरनेस को, इन सभी को आप छोड़ नहीं सकते, इन सभी को आपको लेके ही चलना होगा। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये सब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों 2 दिन पहले रिजल्ट आया है SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का, और देखिए 1 तारीख को मेंस है, तो आपको को कितना टाइम मिल गया, तो आपको लगता है कि इस बीच में आपको आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, या प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको जो 1 महीना इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, तब खैर कुछ टाइम मिला है, ठीक है। और बार तो ये नहीं होता, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और कुछ दिन के बाद आपका मेंस हो जाता है, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको साथ में ही सारे सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA सबको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है, ये है। और मैं बता रहा था कि एक बार आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, जब भी आपका बेसिक क्लियर हो जाते हैं, तो बेसिक क्लियर हो जाने के बाद आपको उतर जाना अपने प्रैक्टिस मोड में, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। क्वांट की मैं बात कर, पहले इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूँ, इंग्लिश की बात कर ही लेता हूँ मैं, जब न्यूज़पेपर से बात आई है, तो आपको 1 से 2 आर्टिकल रोज़ पढ़ने हैं, खुद से रीडिंग करनी है और उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और नोबेल पढ़ना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पढ़िए, मैं भी नोबेल वगैरह पढ़ लेता था कुछ कुछ, ठीक है, तो अच्छे नोबेल, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी। एक है, एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, नॉर्मल लेवल्स की बुक है, ये बुक आप ले लीजिए, अमेजन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक को मैंने पूरा पढ़ा हुआ और ये बुक मुझे बहुत फ़ायदेमंद पहुँचाई, ठीक है, तो ये बुक से आप कर सकते हैं, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, नॉर्मल लेवल्स की बुक है, इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके सेक्शनल मॉक होते हैं, ऑलिव बोर्ड के मॉक लगा सकते हैं, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको जिसका लगाना लगा सकते हैं, बट मैं कुछ अच्छे मॉक्स बता देता हूँ। सस्ते में लेने हैं तो आप स्मार्ट कीरा, इसी को टेस्ट चून भी कहते हैं, टेस्ट चून या ऑलिव बोर्ड या कोई भी Adda247, मैं किसी के यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, ग्रेड अप नहीं लगाइएगा दोस्तों, ग्रेड अप मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रेड अप मैंने आज तक नहीं लगाया, कुछ मेरे दोस्तों ने लगाए थे तो वो बता रहे थे कि ग्रेड अप से प्रीलिम्स लेवल का ही होता है, ठीक है। तो इसके सेक्शनल मॉक इंग्लिश के जो होते हैं वो आप मैक्सिमम दीजिए और रीडिंग पे फोकस करिए आपका। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्रामर मत पढ़िए, आपको ग्रामर समझ में आता है पढ़िए, बट एक बार पढ़ लीजिए ग्रामर, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका रीडिंग से भी निकल जाएगा, 20 मार्क्स वैसे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश करिए, बट ऐसा नहीं है कि अब इंग्लिश में हम वो कर दें तो क्वांट और रीजनिंग में कुछ छोड़ देंगे, नहीं, फिर वहाँ पर आपको कुछ नहीं छोड़ना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं छोड़ना होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इंग्लिश की हम लोग बात कर लिए, क्वांट में क्या करना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बता दूँ आपको, क्वांट में आपको यदि आपका बेसिक आपने पूरा पढ़ लिए हैं, जहाँ से भी पढ़ना चाहिए था, सिंप्लीफिकेशन के डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास कोई सोर्स है, PDF है तो सही है, वैसे मैं भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, यदि मेरे पास कोई सोर्स आएंगे, बट ऐसा होता है ना कि टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे स्ट्राइक लग जाता है, तो आप लोग गूगल पे सिंपली सर्च कर लेंगे सिंप्लीफाइव टॉप क्वेश्चन, तो वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, या कहीं से भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 25 क्वेश्चन डेली इसलिए मैं कह रहा हूँ सॉल्व करने, इससे आपकी स्पीड बनी रहेगी, आपको 2 से 20 के टेबल मुंह पे याद होना चाहिए, और इसको हर एक संडे को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, क्यूब रूट आपको याद है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, 1 बाई
2 से 1/20 तक के एटलीस्ट याद होने चाहिए, 25 तक के, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद इसमें आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आपको डेली 10 सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन 10 डेली सॉल्व करने, ये सब आपको एक्स्ट्रा में सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक मॉक देना ही है, वीक में आप 4 डे दीजिए प्री के मॉक, 2 डेज दीजिए मेंस के मॉक, और 1 दिन जो संडे बचता है उस दिन आप एनालिसिस करिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, उसके बाद उसको पढ़ाई में अपने टॉपिक में उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन में आपको इनइक्वालिटी यदि आप एक बार कर लेते हैं उसको डेली मॉक से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी एक बार अच्छे से कर लीजिए, वो इजी टॉपिक है, आपको थोड़ा फंसाएगा सिलोजिसम। इसके 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो फ्यू और ये वाला फंसा देता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। तो इसका आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा 10 क्वेश्चन का। सिलोजिसम का पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, पजल स्टार्टिंग में आप 5 डेली बनाइए, फिर जब 1-2 मंथ हो जाता है तो 10 पजल डेली कर दीजिए। और ये आपको वीक में ऐसे ही जैसे बताया कि 4 दिन प्री का सॉल्व करिए तो 3 दिन मेंस के पजल सॉल्व करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करना ही है। हाँ, और क्वांट में एक चीज़ बताना भूल गया मैं, डेटा इंटरप्रटेशन DI हाई लेवल सॉल्व करिए, कभी भी लो लेवल DI मत सॉल्व करिए, क्योंकि इससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हमेशा आप मेंस लेवल DI सॉल्व करिए, क्वेश्चन कोशिश करिए एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, प्री लेवल आप कर लेते हैं, उसके बाद मेंस लेवल DI ही सॉल्व करिए, ठीक है। और पजल में भी, पजल आप प्री लेवल भी कर सकते हैं और मेंस लेवल पर मैक्सिमम फोकस हमको मेंस भी देकर चलना, यदि आप मेंस के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो मतलब आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको मेंस के पजल डेली करने हैं, ये आपको डेली करने ही हैं। फिर आपको मेंस लेवल रीजनिंग जैसे चाइनीज कोडिंग वगैरह हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ये सब जो भी चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ये आपको सारे चैप्टर्स के 5 क्वेश्चंस डेली करने हैं। ये कुछ लग रहा है टफ, बट ऐसा है नहीं, आप एक बार करना शुरू कर दोगे तो आपको लगेगा कि यार कितना ईजी था ये सब, ठीक है। तो आप ये कर देंगे और इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, और इसके भी आपको सेक्शनल मॉक दे, एक ओवरऑल मॉक तो आपको डेली देना ही है, उसका सेक्शनल मॉक भी देते रहना है, ठीक है। वीक में डेली नहीं देना है तो कम से कम 3-4 दिन तो आप मॉक दो ही, सेक्शनल मॉक भी दो इसका, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बात कर लेते हैं एक टॉपिक, जनरल अवेयरनेस, जो बहुत ज़्यादा लोग इसको छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब यार क्या ही करें, छोड़ देते हैं इसको। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, करंट अफेयर्स आपको डेली करना है। करंट अफेयर्स यदि आप डेली नहीं कर सकते हैं तो आप मंथली ज़रूर करिए, मंथली आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करना। वैसे जैसे ही मेरा मेंस एग्जाम ख़त्म हो जाता है तो मैं इस चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स की फिर से सीरीज शुरू कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस इसकी भी मैं शुरू करने वाला हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस ये भी आपको को करना है, एनी हाउ करना है। और इसके साथ साथ आप मेंस के मॉक देंगे तो इसकी प्रैक्टिस करना है, बस ये है। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, एक दिन में 1 आवर इसके लिए सफिशियंट है, बट देना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि प्री निकल जाएगा उसके बाद इसको देंगे, नहीं भैया, आपको साथ में लेकर चलना होगा दोस्तों। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप पहले प्री के लिए मैथ रिजनिंग इंग्लिश पढ़िए और GA को साफ नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि आपका फाइनल बैंक का सिलेक्शन GA से ही होना है, उस दिन आप GA की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि GA क्या चीज़ थी, ठीक है, जिसको हम छोड़ रहे थे इतने दिनों से। तो इसको छोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, GA को साथ लेकर ही चलना होगा। बस ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन आज तक, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उन सभी टॉपिक को क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं कोशिश करता रहता हूं दोस्तों कि हर एक चीज़ की मैं वीडियो क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा किस वीडियो की आपको, किस चीज़ की आपको चाहिए वीडियो, मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा, ये आप सब लोग से मेरा वादा है। आप कमेंट करिए, मेल करिए, इंस्टाग्राम पर DM करिए, जहाँ करना चाहते करिए, बट मैं बताऊँगा, ठीक है। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यदि आपको लगा होगा कि आपने कुछ सीखा है या कुछ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि कभी ये मत सोचिएगा कि हम लोग क्या है, मतलब जैसे कि हम लोग मैक्सिमम लोगों की बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसमें क्या है, हमारे पास एक स्टोरी सुना देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मुझे इस बीच में कोविड हुआ था, जो चैनल पे पहले से हैं वो जानते होंगे कि इस बीच जब सेकेंड वेव आया था तो मुझे कोविड हो गया था। उस वक्त मैंने वैक्सीन नहीं लिया हुआ था, वैक्सीनेशन का फर्स्ट ट्रायल चल रहा था और मतलब फर्स्ट वाला चल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ भी था तो नहीं ले पाए, तो उसी बीच मेरा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो उस वक्त मैं ना थोड़ा मतलब उतना सीरियस कंडीशन नहीं था, बट ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि यार मैं कहीं बच ना पाऊँ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो यार उस टाइम जब मैं पड़ा हुआ था बेड पे तो मैंने सोचा था कि यार अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं बताऊं दोस्त, वो कोविड वाला जो पीरियड था मेरा, वो जो पीरियड था मेरा, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, उस बीच में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब कहता हूँ ना कि कुछ चीज़ें होती हैं गलत होती है, बट वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गई कि लाइफ में इससे नीचे कहाँ गिर सकते हैं हम, इससे नीचे तो हम कहीं नहीं गिर सकते हैं। अब चढ़ना है तो इससे ऊपर ही चढ़ना है। तो मुझे लगा कि यार यदि अभी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पाया। यार मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना इन्वेस्ट कर दिए, एक मिडिल क्लास फैमिली की आप जानते हैं दोस्तों, वो कितने दिक्कत से हमें पढ़ाते हैं ताकि हम कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो उनके सपनों को मुझे नहीं तोड़ना था, तो मुझे लगा कि यार मैं ही कुछ ऐसा करता हूँ, क्योंकि हम उससे नीचे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमारे पास उसके बाद खोने के लिए कुछ होता नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग वो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास कितने पैसे होते हैं हम लोग खुद भी जानते हैं कि एक एक रुपये कर करके हम लोग कैसे चलाते हैं फैमिली, हमारे पेरेंट्स, वो हमारे पेरेंट्स ही जानते हैं, हम लोग शायद कभी उतना सोच भी ना पाए, ठीक है। तो हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने चाहने वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, तो बस यही है, यही मेरे दिमाग में उस दिन घुसा। और उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस ईयर तो अपना सिलेक्शन ले लेना है, सिलेक्शन लेके उनको दिखा देना है, उसके बाद मुझे जो करना होगा, मेरा जो भी पैसन होगा मैं वो करूँगा, बट मुझे एक सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि होता है ना कि आसपास वाले लोग भी आपको ताना मारते हैं कि ये करते भाई इतने दिन से तो तैयारी कर रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया ये वो। तो दोस्तों उन सबको नज़रअंदाज करना, क्योंकि पता है कुछ लोग होंगे ना जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, बट उन सबको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भी पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, बट अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत बताऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे पड़ता था अरे यार इसने कैसे बोल दिया, अब मुझे कोई भाई तुम बोलो, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना देख लोगे। तो बस मैं यही सोच के अपने प्रिपरेशन को एकदम करते गया। उस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे उस वक्त पता है आपके पास एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, आप मैक्सिमम टाइम जिस चीज़ पे लगाओगे ना इसका आपको रिजल्ट वही मिलेगा। मैंने मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे लगाया इसमें, मैक्सिमम टाइम, मुझे पता नहीं खाना सोना और हल्का घूमना सुबह में योगा वगैरह करना, उसके बाद से मुझे जो भी टाइम मिलता था मैं बस पढ़ता ही रहता था। एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ काम नहीं था करने को, बस मैंने पढ़ा और सिर्फ पढ़ा। तो देखिए आज रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। मैंने ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया कर दिया वैसा कर दिया, बट हाँ मुझे लगता है कि मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि वो लड़का जिसके पहले मॉक में इंग्लिश में दो मार्क्स तीन मार्क्स आते थे, क्वांट में 7 से 10 मार्क्स आते थे, रीजनिंग में 12 से 15 मार्क्स आते थे, आज फुल फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना कर लिया है और मैंने जो मेहनत की वो शायद रंग लाई है, ठीक है। तो आप सब लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मुझे मानते हैं, थोड़ा भी मानते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो भी मैं बताया हूँ उन पे अमल करिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन तब तक आपको काम नहीं आएगी जब तक आप खुद पे उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे और भी शेयर करूँगा, ठीक है। बैंक एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा, करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। टॉप क्वेश्चन ये कि मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, बैंकिंग अवेयरनेस की भी करने को, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमें मेल करना चाहते हैं तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में है, वैसे आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।